गुड आफ्टरनून टू ऑल, माई सेल्फ दीपायन दास। मैं जो आप लोगों को आज वीडियो दिखा रहा हूँ वो है AICRP पिजन पिकअप, जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर त्रिपुरा में है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन फार्मर लोगों के लिए जिन फार्मर इंटरेस्टेड है पिजन पिक कल्टिवेशन करने के लिए। हमारा जो ये प्लॉट देख रहे हैं आप, ये है रिसर्च प्लॉट। हम इधर पे पिजन पिक रिसर्च करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट प्लान स्पेसिंग, डिफरेंट रो स्पेसिंग देखे, इधर से कौन सा वैरायटी अच्छा प्रोडक्शन देते हैं उसका रिसर्च होता है। इधर हम लोग इधर जो आज सोइंग हो रहा है पिजन पिक का, उससे पहले हम लोग इस लैंड को प्रिपेयर किया था, पहले ट्रैक्टर से, देन पावर टिलर से, देन इसमें हम लोग लाइम भी दिया था, देन NPK डोज दिया था पर हेक्टर के हिसाब से 40 80 40। देन हम लोग इधर में रिज और फरो करा, क्योंकि रिज और फरो करने से ज़्यादा बारिश होने से भी सीड डैमेज नहीं होते। इधर पे आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टिकर लगाया है NS का। N से मतलब है निपिंग और S से मतलब है स्पेसिंग, निपिंग टाइम और स्पेसिंग। जो निपिंग होता है जब प्लांट बड़ा होता है, तो हम लोग डिफरेंट 60 डेज 90 डेज में हम लोग निपिंग करते हैं कि प्लांट का जो टॉप पोर्शन होता है उसको ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका ब्रांच होता है चारों तरफ से प्लांट का, जिसके लिए प्रोडक्शन बढ़ जाता है पिजन पिक। इस निपिंग प्लॉट में हम लोग डिफरेंट स्पेसिंग देते हैं रो का, लाइक 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। हम लोग रिसर्च करके देखते हैं कौन सा प्लॉट में अच्छा होता है प्रोडक्शन। ये जो देख रहे हैं ये है सीड पिजन पिक का, जो सोइंग के लिए रेडी है। इससे पहले हम लोग इसको ट्रीट करते हैं फंगीसाइड से, जो अभी करेंगे हम लोग सीड ट्रीटमेंट, क्योंकि सीड बॉर्न डिजीज के बचने के लिए ये है सब फंगीसाइड है। इस फंगीसाइड से हम लोग ट्रीट करते हैं सीड को। आप लोग और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, पानी में हम लोग इस सीड को भिगो के ट्रीट करते हैं, देन इस सीड को हम लोग लैंड पे सोइंग करते हैं, उसकी वजह से सीड बॉर्न डिजीज से हम लोग बच जाते हैं, प्रोडक्शन हाई भी होता है। इधर देख रहे हम लोग रो किस तरह मेंटेन किया हो। मैं ये जो वीडियो किया हो स्पेशली उन फार्मर लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड है पिजन पी में और पिजन पी कल्टीवेशन करके अच्छा नाम कमा सके। जिन फार्मर इंटरेस्टेड है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा इसमें कैसे पिजन पी कल्टीवेशन करते हैं।